और दोस्तों, क्या हालचाल? सब खैरियत? मैं हूं दिव्य चौहान और स्वागत है आपका पढ़ाईपुर 101 में। आज हम लोग बात करने वाले हैं मास माइग्रेशन और ब्लू अर्थवर्म्स। जनरली हम लोग को अर्थवर्म्स मतलब कि केचुए मरून कलर में दिखते हैं या ब्लैक कलर में दिखते हैं, जो जनरली हम लोग बारिश के टाइम में अपने आसपास में देखते हैं। बट मेघालय में एक ऐसी जगह है जहाँ पे ये अर्थवर्म्स ब्लू कलर के होते हैं, और उनमें एक खास फीचर है या उनकी खास एक आदत है कि वो माइग्रेट करते हैं। वो साल के दो अलग अलग समय पे अपहिल और डाउनहिल माइग्रेशन करते हैं। माइग्रेशन क्या होता है कि जब एडवर्स कंडीशन होती है या फिर इन सर्च ऑफ फूड और फेवरेबल कंडीशन फॉर फर्दर डिवीज़न ऑफ देयर फैमिली, जो जानवर होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पे माइग्रेट करते हैं। उसी तरह ये अर्थवर्म्स भी माइग्रेट करते हैं। तो ये क्यों करते हैं, कहाँ करते हैं और इनसे क्या, जो हमारे इन्वायरमेंट इकोलॉजिकल इनसे क्या बेनिफिट है, वो सब हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी हाल ही में द हिंदू में एक आर्टिकल आया था कि मास माइग्रेशन ऑफ ब्लू अर्थवर्म्स मेघालय में दिखा है, और ये अंडरलाइन करता है सस्टेनेबल लैंड यूज़ को। मेघालय में जो लैंड यूज़ हो रहा है वो अनसस्टेनेबल वे में हो रहा है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है कि हम लोग जो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज है उनको इस तरीके से यूज़ करते हैं कि हमारी प्रेजेंट नीड भी पूरी हो जाए और हम फ्यूचर के लिए उसको छोड़ भी सकें, ताकि फ्यूचर जनरेशन जो हमारी है वो हमारा यूज कर सके। लेकिन अनसस्टेनेबल होता है कि हम लोग उसको अभी कुछ ज़्यादा ही एग्जॉस्ट कर रहे हैं, ताकि वो फ्यूचर में हमारे जो जनरेशन आने वाली है उसके लिए वो एडिक्वेट अमाउंट में बचे ही नहीं। तो जो इसका अनसस्टेबल यूज़ है, इसका एडवर्स इफेक्ट जो हमारे इन्वायरमेंट में है, जो हमारी फ्लोरा फौना, जो अभी एग्जिस्टिंग फ्लोरा फौना है, उस पर भी पड़ता है। और ये माइग्रेशन पे भी देखा गया है। अर्थवर्म्स की जो संख्या है वो काफ़ी कम हो गई है मेघालय रीजन में ड्यू टू अनसस्टेनेबल लैंड यूज। तो ये जो अर्थवर्म्स होते हैं, ब्लू अर्थवर्म्स, इनका साइंटिफिक नेम है पेरियोनिक्स मेसिनटोसी, और ये लगभग 1.6 फीट मतलब लगभग 1.5 फीट तक के ये हो सकते हैं। आप सोचिए कितने लंबे होते हैं। आप मेघालय का देख लो, मेघालय में मेनली तीन हिल रीजन है, गाढ़ो, खासी और जयंतिया। ये गाढ़ो रेंज है, ये खासी है और ये जयंतिया है। और ये जो माइग्रेशन प्लेस करता है ये इस खासी हिल्स में, ये जो डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे ये माइग्रेशन प्लेस करता है। खास करके वहाँ पे एक विलेज है मासिंटो विलेज, वहाँ पे ये ज़्यादा देखने को मिला है। तो ये माइग्रेशन जो होता है वो मेलिंगोट, ये मॉलिंगोट जो विलेज है ईस्ट खासी हिल्स में, तो यहाँ पे ये रहते नीचे हैं नदी के पास, और ये माइग्रेट करके वैली के ऊपर जाते हैं, और फिर कुछ समय बाद ये वापस से माइग्रेट होके ये नीचे आते हैं। ये लगभग डिस्टेंस जो है वो 300 मीटर का है। अब आप बोलोगे 300 मीटर तो काफ़ी छोटा डिस्टेंस है, बट एक केचुए के लिए ये डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। तो ये ट्वाइस होता है, साल में दो बार होता है। ये अपहिल जाते हैं स्प्रिंग्स में, स्प्रिंग का मतलब मार्च अप्रैल के महीने में ये अपहिल जाते हैं, मतलब ये ऊपर की तरफ जाते हैं। और जब ऑटम शुरू होता है, जब पतझड़ का टाइम शुरू होता है सितंबर अक्टूबर में, तो ये डाउनहिल चले आते हैं। और ये इंक्लाइनेशन जो होता है लगभग 80-85 डिग्री के हिल पे करते हैं, मतलब पूरी खड़ी चट्टानों पे ये चढ़ते हैं, लगभग खड़ी चट्टानों पे, और ये 300 मीटर का होता है, तो मैंने बता दिया आपको। अपहिल माइग्रेशन जो स्टार्ट होता है ये मॉनसून के ऑनसेट पे होता है। अप्रैल मई के टाइम में रिवर में पानी का फ्लो बढ़ जाता है, जो ये ट्रिगर करता है कि बरसात आने वाली है। और बरसात, ये केचुओं को जब ये पता चलता है कि बरसात आने वाली है, तो ये ऊपर की तरफ माइग्रेट कर जाते हैं। और डाउनहिल के टाइम में जब सूखा पड़ता है, पत्ते सूख जाते हैं, मॉइस्चर की कमी हो जाती है ऊपर में, तो ये वापस से ऊपर से नदी की तरफ नीचे चले जाते हैं ह्यूमिडिटी के खोज में, क्योंकि ह्यूमिडिटी, ह्यूमिड क्लाइमेट में इनको अपना खाना वाना मिलता है, इस कारण ये ऐसा करते हैं। तो इनका जो इकोलॉजिकल रोल है, अर्थवर्म्स जो है ये इनहेंस करते हैं सॉइल फर्टिलिटी। हम लोग पता ही है कि अर्थवर्म्स जो होता है वो जो हमारा ज़मीन है उसकी फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करते हैं। और ये जो इनकी एक्टिविटी ईस्ट खासी हिल्स में, ये वहाँ के लोकल्स को काफ़ी पहले समझ में आ गई थी, इसका बेनिफिट भी लोकल्स को पता है। इस कारण लोकल जो वहाँ के हैं वो ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जाने लगे, क्योंकि वहाँ की जो मिट्टी है वो काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल हो गई ड्यू टू दीज अर्थवर्म्स, तो वो लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं। और ये लोग पहले ब्रूमस्टिक, जो झाड़ू बनाते थे, उसकी खेती करते थे, झाड़ू बनाने वाले पौधे की, बट अब उससे हट के ये ऑर्गेनिक टी, जो कि ग्लोबली इनका डिमांड, खासकर इस विलेज के चाय का डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, तो वो लोग वहाँ के लोग पैसे भी बना रहे हैं, तो इस कारण ये लोग वहाँ पे जो ऑर्गेनिक टी है उसकी खेती पे ज़्यादा जोर दे रहे हैं। मलिंगोट की जो चाय है ये काफ़ी फेमस है,
ड्यू टू इट्स नेचर ये अलग एक फ्लेवर देता है, तो इस कारण ये काफ़ी फेमस है। अब जो थ्रेट हो रहा है तो अनसस्टेनेबल यूज़ प्रैक्टिस वहाँ पे हो रहा है, जिसके वजह से अर्थवर्म्स की पॉपुलेशन ड्रास्टिकली जो वहाँ पे डिक्रीज हो गई है। जो वहाँ पे जो मेनली ये अनसस्टेनेबल यूज़ हो रहा है ये स्टोन क्वेरिंग और अर्थ कटिंग के कारण होता है। अब स्टोन क्वेरिंग अर्थ कटिंग क्या होता है कि पहाड़ से रास्ता बनाना है तो पहाड़ों को काटना पड़ेगा, तो ये पहाड़ों काट के रास्ता बनाया जाता है, या फिर बड़े बड़े पहाड़ों को डिटोनेट कर दिया जाता है, उनको डायनामाइट से तोड़ दिया जाता है ताकि वो छोटे छोटे टुकड़े में आ जाए, फिर उनको वहाँ से हटाया जाता है यूज़ के लिए घर बनाने में, रोड बनाने में। तो इस कारण भी वहाँ पे जो होता है पत्थरों को तोड़ा जा रहा है, जिसके वजह से उनका जो नेचुरल उनका जो पहले का जो प्रीवियस जो उनका रास्ता था वो अब ख़राब हो गया है। और दूसरा वहाँ पे एक रैट होल माइंस होते हैं। रैट होल माइंस क्या होते हैं कि ये इलीगल है, लोकल लेवल पे लोग क्या करते हैं पहाड़ों में छोटे छोटे होल्स करके और वहाँ पे माइंस बनाते हैं और वहाँ से वो कोल को डिग आउट करके वो ब्लैक मार्केट में बेचते हैं, तो ये रैट होल माइनिंग कहते हैं। रैट होल माइनिंग आप देख सकते हो इस तरह का होता है, ये पहाड़ है और ये छोटे छोटे जो होल्स हैं ये माइंस हैं, एक्चुअली में ये माइंस जो यहाँ से ये लोग पत्थर को तोड़ के अंदर से कोयला निकाल के उसको मार्केट में बेचते हैं। ये काफ़ी डेंजरस है, इस पर बैन भी लगा हुआ है, बट सरकार को इस पर और थोड़ा काम करना चाहिए। हमेशा हम लोग को न्यूज़ आता है कि रैट होल माइंस में मजदूर फंस गए, तो ऐसा वहाँ पे होते रहता है क्योंकि ये खुद से क्या हुआ, इस पर कोई सेफ्टी मेजर्स का ध्यान नहीं रखा जाता। और उसके बाद है कि जो रेनफॉल में है सितंबर अक्टूबर के टाइम में अचानक से रेनफॉल में डिक्रीजमेंट आ गया। अब डिक्रीजमेंट की वजह से क्या होता है कि उस टाइम तो ऑलरेडी सूखा पड़ा होता है और बारिश बिल्कुल नहीं होती, इसके कारण जो अर्थवर्म होते हैं वो सूख जाते हैं, उनके बॉडी से मॉइस्चर आउट हो जाता है और इस प्रोसेस को बोलते हैं डेसिकेशन। डेसिकेशन में वो अर्थवर्म सूख के मर जाते हैं, तो ये मेन रीजन्स हैं जिसकी वजह से अर्थवर्म्स की संख्या कम हो रही है। अब इनकी संख्या कम होगी तो ये सॉइल को फर्टाइल जो कर रहे थे वो कम करेंगे और इससे जो इफ़ेक्ट है वो वहाँ पे जो टी प्रोडक्शन है उस पे पड़ेगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।